हाय गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त नीरज। और दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो पे देखा था कि बैंक निफ्टी में या निफ्टी में स्ट्रैडल कैसे क्रिएट करते हैं, तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल से बताऊंगा कि स्ट्रैडल कैसे क्रिएट करते हैं, प्रॉफिट आप लोगों को कितना लेना चाहिए, लॉस आपका कहाँ तक होना चाहिए, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस नहीं होता है, तो ब्रेक इवन पॉइंट के हिसाब से आपका SL कहाँ पर रहना चाहिए और इसमें आपको कितना प्रॉफिट बुक करते हुए चलना चाहिए, कब कितनी प्रीमियम हो तो उसको कैसे एडजस्टमेंट करना चाहिए, तो काफ़ी कुछ डिटेल से मैं आज वीडियो में देने वाला हूं। और देखिए, मैं यही बोलूंगा कि मार्केट आज काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा और 20,937.70 पे निफ्टी 50 की क्लोजिंग आ चुकी है और बैंक निफ्टी 46,834 के नियर क्लोजिंग दिया हुआ है। तो दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग से देखिए, डेफिनेटली आपको पैसा तो मिलेगा लेकिन कम पैसा मिलेगा, लेकिन जब आप एवरेज आउट करेंगे मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, तो यही प्रॉफिट आपका काफ़ी बड़ा निकल के आएगा, जो कि 35-40% ईयरली का होगा। तो ये देखिए, काफ़ी बड़ा इसमें प्रॉफिट कहलाता है, 40% या 35% आप अगर ईयरली बेसिस पे निकाल रहे हैं एक बड़ी कैपिटल से, तो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट आपके पास यहाँ पे बन के आता है। और देखिए, ऑप्शन बाइंग में आप बड़े कैपिटल नहीं लगा सकते, आप 2-4 लाख ऐसे लगा के आप ऑप्शन बाइंग में जब भी एक ह्यूज क्वांटिटी से बाइंग करते हैं, तो उसमें उतना ही बड़ा आपका रिस्क भी हो जाता है। तो ऑप्शन बाइंग को ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छी बात नहीं है, वो अच्छा है नहीं है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शन बाइंग से अगर पैसा बनता तो सभी पैसा यहाँ पे इजली बना लेते। आप 20,000 रुपये लगा के वहाँ पे 5,000 जरूर बना लेंगे, 10,000 जरूर बना लेंगे, लेकिन आप वहाँ पे 20,000 रुपये गंवाने के भी चांसेस आपके 99% हैं। इसलिए मैं ऑप्शन बाइंग को अवॉइड करना चाहता हूँ और ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करवा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग भी एक अच्छी कैपिटल वहाँ से इकट्ठी करके आप जब भी आपके पास कैपिटल हो जाए तो आप ऑप्शन सेलिंग के ऊपर जा सकते हैं। तो चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के लिए। तो दोस्तों, अभी जैसा आपको लग रहा है कि निफ्टी 50 जो है 20,937 के नियर है, तो इसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 100-200 पॉइंट की मूवमेंट ऊपर नीचे हो सकती है, 150 पॉइंट की मूवमेंट हो सकती है ऊपर नीचे, तो आप उसके लिए एक स्ट्रैडल क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हम शॉर्ट स्ट्रैडल जिसे कहते हैं। तो चलिए, आप शॉर्ट स्ट्रैडल कैसे क्रिएट करते हैं ये हम देखते हैं। तो इससे हम सेंसिबल में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन चेन हमारे सामने खुली हुई आप लोगों को दिख रही है स्क्रीन में, और ये 7 दिसंबर की एक्सपायरी का, यानी कल की एक्सपायरी का है। और यहाँ पे अगर जैसे आपको निफ्टी 50 में 20,937 की यहाँ पे क्लोजिंग मिली हुई है, तो इसके लिए आप क्या करना है, जैसे आप देखेंगे ATM पे ही हम स्ट्रैडल क्रिएट करते हैं ज़्यादातर। 20,950 अगर ATM का प्राइस है, तो इसमें एक की प्रीमियम 55 है, एक की प्रीमियम 53 है, यानी कॉल साइड की प्रीमियम है 20,950 की, कॉल साइड की 55.60 रुपीस, और पुट साइड की प्रीमियम जो है 20,950 की 53 रुपीस के नियर का इसमें रेट दिख रहा है आपको। तो अब आपको करना क्या है, तो देखिए, इसके लिए सिंपली आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करना है और इसे बाय से हटा के यहाँ पे सेल पे करना है क्लिक। सेल पे करने के बाद ऐड टू बास्केट ऑर्डर लगाएंगे हम। बास्केट ऑर्डर इसलिए लगाते हैं क्योंकि दोनों ऑर्डर हम चाहते हैं कि एक साथ लगे। तो ये हो गया हमारा 20,950 की कॉल साइड का हमने सेल कर दिया। अब 20,000 की पुट साइड का 53 रुपीज़ की प्रीमियम को भी सेल करते हैं, तो इसको भी हम बास्केट में ऐड करेंगे, सेल पे जाएंगे और ऐड टू बास्केट में करेंगे। अभी फ़िलहाल हमने एक एक लॉट लिए हुए हैं, आप अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग इसमें लॉट साइज को 2, 3, 4, 10, 20 जितना करना चाहें कर सकते हैं। चलिए, अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ, तो कि इसमें पैसा कितना लगाए, प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कहाँ पे लेना है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें लॉस लेना होता है। अगर कम लॉस है, आप बैठे हुए हैं, वो लॉस बढ़ते जा रहा है, फिर भी आप बैठे हुए हैं, तो फिर ऑप्शन सेलिंग आपके लिए नहीं बनी हुई है। ऑप्शन सेलिंग में आपको काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग एकदम डिफरेंट है, इसलिए जब भी आप ऑप्शन सेलिंग में आएंगे, परसेंटेज वाइज आप बाइस बात करिए, यहाँ पे ईयरली हम कितना परसेंट यहाँ पे निकाल सकते हैं, वो मंथली बेसिस पे भी हम कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे दोनों प्रीमियम को मैंने शॉर्ट किया है, यानी शॉर्ट स्ट्रैडल 20,950 का बनाया है। अब इसको हम एनालिसिस करके देखते हैं, तो एनालाइज पे हमने क्लिक करा है, तो आप देख सकते हैं इसमें 20,950 की प्रीमियम हमने 55.60 रुपीज़ मिली है, 20,950 की पी हमने यहाँ पे शॉर्ट करी 53.0 पैसे पे, दोनों को हमने शॉर्ट किया है, यानी सेल किया हुआ है। चलिए, अब इसमें देखते हैं हम कि यहाँ पे आप लोगों को कैसा चार्ट निकल के आएगा। तो ये रहा आपका
चार्ट यहाँ पे जो है आपका पीएनएल ग्राफ जो बनता है आपका इस टाइप से क्रिएट होता है। तो इसको आप यहाँ बढ़ा घटा के आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे आपका प्रॉफिट लॉस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है और कौन सी डेट में कितना प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो हमने कल की एक्सपायरी का लिया हुआ है स्ट्रेडल, तो यहाँ पर चलिए आइए देखते हैं। अब सपोज़ निफ्टी का टारगेट 20,937 है, तो हम मानते हैं कि कल मार्केट जो है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की ओर ही खुल सकता है। 20,937 है तो 20,042 के नियर अगर ये खुलता है तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे प्रोजेक्टेड प्रॉफिट 811 रुपीज़ ही दिखाएगा। यानी आप देखिए कितना सेफ है यहाँ पे 20,937 में, अगर 100 पॉइंट ऊपर भी खुलता है मार्केट तो भी आप 811 रुपीज़ यहाँ पे प्रोजेक्टेड प्रॉफिट आपका दिखा रहा है। आपको लॉस किस सिनेरियो में होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी खुलता है 20,937 तो एटीएम प्राइस है, और 20,833 अगर मार्केट 100 पॉइंट नीचे खुलता है तो आपको यहाँ पे 420 रुपये का लॉस इमीडिएटली स्क्रीन पे कल के सेशन में दिख सकता है। तो ये देखिए पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसा हो ही जाएगा ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आप 20,937 पे ही खुले तो आपको छोटा मोटा प्रॉफिट वहाँ पे दिखेगा स्क्रीन में। तो चलिए अब दोस्तों हम ये देखते हैं 7 दिसंबर का एक्सपायरी है और इसे हम रीसेट कर रहे हैं प्राइस को। तो यहाँ से आप रीसेट करके आप देख सकते हैं कि ये कितना नीचे जाएगा। मान लीजिए 800 के नीचे 728 इतना तो गिरना नहीं चाहिए मार्केट को, अगर ये गिरेगा तो 5600 रुपीज़ आपको लॉस इसमें दिखेगा। लेकिन इस लॉस के लिए हम बैठे नहीं रहेंगे, हमारा इसमें SL भी नहीं रहता है, लेकिन SL जो है हमारा यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट के हिसाब से मेंटेन करते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है, जैसे आपने प्रीमियम इसमें कलेक्ट करी है अप्रॉक्सीमेटली 108 रुपीज़ के नियर की, 55 प्लस 53 का आप जब ऐड करेंगे तो 108 रुपीज़ की प्रीमियम आपको इसमें कलेक्ट करके दिखाएगा। यानी 108 रुपीज़ अगर यहां से 20,937 प्लस 108 रुपीज़ यानी करीब करीब 21,037 मान सकते हैं इसमें, वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा ऊपर की साइड में। और इधर से 100 पॉइंट नीचे यानी 20,837 आपका नीचे अगर मार्केट जाता है तो वहाँ से आप 100 पॉइंट के नीचे का ब्रेक इवन पॉइंट लेके चल सकते हैं। यानी 100 पॉइंट नीचे और 100 पॉइंट ऊपर मार्केट में अप डाउन होता है तो आपको कोई खास फ़र्क नहीं लग यहाँ पे लॉस या प्रॉफिट में, खास यहाँ पे कोई लॉस में तो नहीं दिखेगा, प्रॉफिट आपको ज़रूर तो भी दिख सकता है। तो चलिए अब यहाँ पे हम एक चीज़ और देखेंगे कि इसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या आता है। तो चलिए यहाँ पे हम आते हैं समरी में आते हैं और इसमें देखिए इसमें बहुत ही अच्छा है, आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा कि आपके प्रॉफिट कैलकुलेटेड रहेंगे यहाँ पे और लॉस भी कैलकुलेटेड रहेंगे। तो आपको कैलकुलेटेड प्रॉफिट लेना है और कैलकुलेटेड लॉस लेना है। तो यहाँ पे समरी में आप आएंगे, देखिए मैक्स प्रॉफिट आपको इसमें कोई ऐसा ऑप्शन बाइंग में नहीं है कि सर मैंने यहाँ पे 20,000 रुपये लगा दिया है तो 5,000 कमा लूँगा। यहाँ पे देखिए आपकी कैपिटल कितनी लग रही है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फंड नीडेड दिख रहा है आपका, मार्जिन नीडेड आप देख रहे हैं यहाँ पे, प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी करके दिखा रहा है, 61% प्रोबेबिलिटी आपके विनिंग की है और टाइम वैल्यू आपकी इतनी मतलब डिके होगी और इंट्रेंसिक वैल्यू 103 रुपीज़ इसमें शो कर रहा है अभी, ठीक है ना। मतलब ये पूरे भी आपको मिल सकते हैं अगर मार्केट कल के सेशन में 20,937 पे ही क्लोज हो जाता है तो आपको फुल प्रॉफिट मिलेगा, जो मैक्स प्रॉफिट आपका था 5,430 रुपीज़ जो कि होता है 4.1%। अब आप बोलेंगे सर 4.1% तो बहुत कम है, तो दोस्तों 4.1% बहुत ज़्यादा है। अगर मंथली में भी आप अगर इतना कमा रहे हैं, ये तो आपको एक दिन में ही मिल रहा है, अगर मंथली पे मिल रहा है तो फिर उसमें भी बहुत ज़्यादा है। या अगर आपको पर मंथ 4% के रिटर्न मिल रहे हैं तो 12 मंथ में आपको 48, ठीक है जी, 48% का रिटर्न यानी 50% का रिटर्न आपको इसमें मिल जा रहा है मंथली ईयरली बेसिस पे। तो आप उस हिसाब से देखिए, छोटे छोटे प्रॉफिट लीजिए,
मार्केट इसी का नाम है। बड़े प्रॉफिट एक दिन 15,000 बनाना, दूसरे दिन फिर 10,000 लॉस कर देना, फिर अगले दिन 15,000 लॉस कर देना, फिर अगले दिन 5,000 कमाना, ये कोई ट्रेडिंग नहीं है, ये रियली में एक जुआ है। तो आप, मैं यही चाहूँगा कि कम प्रॉफिट लीजिए और अच्छे से काम करिए, ठीक है जी। अब देखिए इसमें फ़ंड नीडेड जो लग रहा है आपका 1.33 लाख रुपीज़, आप देख सकते हैं मार्जिन नीडेड करके आ रहा है इंटरेस्टिंग वैल्यू के नीचे 1.33 लाख, यानी 1,33,000 रुपये अगर आपके पास हैं तो आप आज अगर शॉर्ट स्ट्रेटल बनाए होते तो कल के सेशन में आपको 54.30 रुपीज़ का प्रॉफिट हो सकता था, जो कि 4% था। अब मैं ये कहूँगा कि 4% हमें सॉरी नहीं चाहिए, हम इसमें 2% का ही टारगेट कल का रखेंगे, यानी जितना भी आपकी टोटल मैक्स प्रॉफिट है उसका अगर 50% आपकी प्रीमियम डिके हो चुकी है, यानी 100 रुपीज़ आपने प्रीमियम कलेक्ट करी है और अगर वो 50 रुपीज़ या 40 रुपीज़ के नियर आ गई तो आप पोजीशन को कट करके मार्केट से एग्जिट ले लेंगे, ये आपका मैक्स प्रॉफिट होगा। मैं ये नहीं कहता कि 5,430 रुपीज़ आपको प्रॉफिट लेना है, इसमें 2,500 to 3,000 रुपीज़ अगर आपको कल के सेशन दिखते हैं, भले 9 बजे दिखें, 11 बजे दिखें या 12 बजे दिखें, 1 बजे दिखें, तो आप वहाँ पे मैक्स प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। किसी भी कंडीशन में आपको यहाँ पे पोजीशन कट करनी है 2 बजे के नियर तक, पोजीशन आपको सभी स्क्वायर ऑफ कर दें, भले 1500 या 2000 प्रॉफिट भी होता है तो आपको लेके निकल जाना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें प्रॉफिट ही हो, ऐसा भी मानना गलत होगा। तो इसमें मेरा यह है कि आपको 50% 2% का रिटर्न भी अगर कल दे रहा है, यहाँ पे 4% भले दिखा रहा है, तो आप वहाँ से एक अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ निकल सकते हैं। आपकी कैपिटल लगी है 1.33 लाख, अगर उसमें 2,000 रुपीज़ भी दिखते हैं तो बहुत बड़ा प्रॉफिट वो कहलाएगा। और दोस्तों इसमें जो देखिए ब्रेक इवन की बात कर रहा था मैं, और मैक्स लॉस इसमें अनलिमिटेड होगा दोस्तों। अगर आपने पोजिशन नहीं काटी तो फिर इसमें आपके लॉसेस बढ़ते जाएंगे जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। अगर मान लीजिए कल के सेशन में 400 पॉइंट मार्केट नीचे की ओर गिर जाता है तो फिर आप इसमें मैक्स प्रॉफिट काफ़ी बड़ा आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि आप यहां से कैलकुलेट करके चल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था यहां पे एनालिसिस में जाके, अगर कल के सेशन में मान ले हम कि ये 20,700 और नीचे चला जाता है, 20,623 चले जाता है, तो मैक्स प्रॉफिट आपका प्रोजेक्टेड लॉस 10,270 रुपीज़ हो सकता है। और नीचे जाता है 20,518 तक जाता है तो आपका मैक्स लॉस 15,408 रुपीज़ होगा, जो कि 12% आपका लॉस कहलाएगा। इसलिए हमें ये मैक्स लॉस तक नहीं रुकना है, हमारा इसमें जो लॉस होगा मैक्सिमम वो मान के आप ये चल सकते हैं कि एक आपने पेयर बनाया है तो इसमें 2,500 रुपीज़ का मैक्स लॉस आप लेके चल सकते हैं। जब भी आप स्क्रीन में 2,500 रुपीज़ पेयर वाले लॉट पे लगेगा आपका, जैसे आपने स्ट्रेडल बनाया है तो एक कॉल साइड की बेची है, एक पुट साइड की बेची है, यानी दो आपने स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम बेची है तो एक पेयर बन गया ये। इस पेयर पे आपका मैक्सिमम लॉस 2,500 रुपीज़ का लेके चलेंगे, यही आपका एसएल होगा। जहाँ पे भी आपको 2,000 लॉस दिखेगा वहाँ से आप अलर्ट हो जाएंगे, और अगर वो लॉस बढ़ते बढ़ते 2,500 रुपीज़ हो जाता है तो आप पोजिशन को इमीडिएटली कट करके वहाँ से निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पोजिशन चेंज हो चुकी है। मार्केट में एक ट्रेंडिंग मूव अपसाइड डाउनसाइड आने के चांसेस बढ़ चुके हैं, तो ये 2,500 का लॉस आपका लॉस 5,000 का बन सकता है, 15,000 का भी बन सकता है। इसलिए हम वहां से 2,500 के लॉस को मैक्सिमम लॉस मान के यहां से मार्केट से एग्जिट ले लेंगे। तो दोस्तों इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि मैक्स प्रॉफिट तक हमें नहीं रुकना है। अगर 50% हमारी प्रीमियम डिके हो चुकी है, यानी आपने 108 पॉइंट की प्रीमियम कलेक्ट करी है, अगर 50 to 60 प्रीमियम अगर आपकी रिमेनिंग बची है तो आपको वहां से प्रॉफिट बुक करके चलना है, या एक प्रॉपर एसएल आपको वहां पे मेंटेन करते हुए चलना है कि भाई मेरा जितना भी प्रॉफिट आ गया वो लॉक हो जाए, वहां से ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि हम ऑप्शन सेलर हैं तो हम यहां पे लालच वाला काम नहीं करेंगे। हम अगर ऑप्शन बायर होते तो ठीक है, हमारा अगर 1 लाख की कैपिटल लगी है तो हमारा अगर 15,000 भी प्रॉफिट रहता तो आप कट करके मार्केट से नहीं निकलते। लेकिन क्योंकि आप ऑप्शन सेलर हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ आपका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज देखिए मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ बता दिया कि पैसा कितना चाहिए। पैसा अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप शॉर्ट स्ट्रेडल क्रिएट करके चल सकते हैं। अब देखिए ये तो हो गया कल का स्ट्रेडल, आने वाली अगली वीडियो में काफ़ी लंबी हो गई क्योंकि आज की वीडियो, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इसको नेक्स्ट एक्सपायरी के भी स्ट्रेडल कैसे बेच सकते हैं, या मंथली के भी एक्सपायरी के आप कैसे प्रीमियम यहाँ पे सेल करके चल सकते हैं, या 4 महीने बाद या 3 महीने बाद की भी स्ट्रेडल कैसे क्रिएट की जाती है, ये सब आप लोगों को आने वाले वीडियो में
मिल जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं ऑप्शन सेलिंग की बहुत ही डीप नॉलेज आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट हो और आपको भी बेनिफिट हो। आप वीडियो को देखिए, दो तीन बार देखिए, जहाँ पर समझ में नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट में मुझे पूछिए, तो मैं आपका रिप्लाई वहाँ पर कर दूँगा। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो भी नए बंदे देख रहे हैं सब्सक्राइब का बटन तो भूलिए ही मत आप दबाना, ठीक है जी। ओके, आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।